कोई भी देश दोस्तों चाहे अपने देश में कितनी ही ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी क्यों ना कर दे, लेकिन साफ़ सुथरी हवा वहाँ पर सिर्फ नेचुरल ब्यूटी के चलते आ पाती है। और किसी भी देश की नेचुरल ब्यूटी को दोस्तों बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ होता है वहाँ पर रिवर्स का, यानी नदियों का। आज के दिन बहुत सारी कंट्रीज में दोस्तों आपको नदियों की कोई कमी देखने को मिलने नहीं वाली, फिर चाहे इंडिया की बात करें, USA की बात करें, या फिर दोस्तों ब्राज़ील जैसे कमाल देश की ही बात क्यों ना कर ले, लेकिन वहीं पूरी दुनिया में कुछ ऐसी भी अलग दर्जे की आपको कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी जो तरक्की में तो लगातार आगे बढ़ी हैं, लेकिन यहाँ पर ना कुदरत ने एक भी नदी नहीं बख्शी। और इन देशों में दोस्तों आपको एक भी रिवर देखने को मिलने नहीं वाली। तो चलिए जानते हैं ये कौन से 10 देश हैं जहाँ पर रिवर की संख्या आपको जीरो देखने को मिलने वाली है। वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग कमाल होने वाली है, आखिर तक हमारे साथ बने रहिए और कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न अभी से तैयार रखो। नंबर 10 पर दोस्तों नाम आता है मोनेको का, जिसे पूरी दुनिया इसके ऑफिशियल नाम प्रिंसिपैलिटी ऑफ मोनेको के नाम से जानती है। इस देश में दोस्तों नेचुरल ब्यूटी के नाम पर आपको कुछ भी देखने को मिलने नहीं वाला, क्योंकि पूरा देश सिर्फ 2.02 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और पूरे देश में वाटर परसेंटेज है दोस्तों 0%। पानी इस देश में कहीं देखने को नहीं मिलेगा, नेचुरल ब्यूटी बिल्कुल नहीं है, ग्रीनरी की पूरी कमी है, क्योंकि काफ़ी छोटा देश है और छोटा देश है तो दोस्तों यहाँ रिवर कहाँ से हो पाएगी। आज के दिन दोस्तों मोनेको में आपको एक भी नदी देखने को मिलने नहीं वाली। अगर आगे बढ़ते हुए हम बात नंबर 9 के देश की करें तो नाम आता है मार्शल आइलैंड का। दोस्तों इस देश में वैसे नेचुरल ब्यूटी तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगी और बीचेस की खूबसूरती भी बड़ी ज़्यादा अव्वल दर्जे की है, लेकिन इसके बाद भी रिवर इस देश में एक भी मौजूद नहीं है। ओशनिया के इस देश का दोस्तों ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ द मार्शल आइलैंड है, और ओशनिया के दोस्तों इस देश का टोटल एरिया 181.43 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, लेकिन वाटर परसेंटेज यहाँ भी आपको 0% की देखने को मिलने वाली है। बीचेस ज़रूर हैं जो देश की नेचुरल ब्यूटी को बढ़ाते हैं, आपको अच्छी फीलिंग आएगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी रिवर आपको कोई भी देखने को मिलने नहीं वाली। और ये भी एक ऐसी कंट्री बन जाती है जहाँ नदी कोई नहीं है। नंबर 8 के देश की बात करें तो नाम आता है माल्टा का, एक शानदार यूरोपियन कंट्रीज लिस्ट में आ चुकी है। माल्टा वैसे तरक्की में बहुत आगे है, काफ़ी खूबसूरत ये देश है, पार्क्स यहाँ आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे, लेकिन कुदरत ने ना रिवर यहाँ भी नहीं बख्शी। रिपब्लिक ऑफ माल्टा ये देश आज के दिन दोस्तों कुल मिलाकर सिर्फ 316 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला है, और अगर वाटर परसेंटेज की बात करें तो वो है पूरे देश में 0.001%। रिवर आपको इस देश में भी कोई भी नज़र आने नहीं वाली। हालांकि खूबसूरत ये देश बहुत है, बीचेस के नज़ारे कमाल है, बीचेस के किनारे लोग घूमते हुए नज़र आएंगे, लेकिन रिवर के नाम पर आंकड़ा है 0। नंबर 7 की अगर हम बात करें तो नाम आता है मालदीव्स का। इस कंट्री की खूबसूरती तो दोस्तों बेहद ही ज़्यादा अव्वल दर्जे की है। साउथ एशिया के दोस्तों इस देश को पूरी दुनिया रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स के नाम से बुलाती हुई नज़र आ जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आपको दुनिया भर से करोड़ों टूरिस्ट घूमते हुए नज़र आ जाएंगे। ये पूरा देश सिर्फ 300 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला है और वाटर परसेंटेज इस देश में भी 0% देखने को मिलने वाली है, लेकिन पूरे देश से अगर दोस्तों वाटर का व्यू लेना है वो कमाल का है। ट्रॉपिकल आइलैंड्स यहाँ बहुत ही ज़्यादा कमाल के खूबसूरत है। पानी इस देश का बेहद ही साफ है, जो इस देश में बीचेस का पानी है। बीचेस की खूबसूरती भले ही कुदरत ने दोस्तों यहाँ खूब बख्शी हो, लेकिन यहाँ पर रिवर आपको फिर से कोई भी देखने को मिलने नहीं वाली। नंबर 6 की अगर हम बात करें तो नाम आता है लीबिया का। नॉर्थ अफ्रीका की इस कंट्री की तो वैसे आज के दिन हालत भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, लोगों का लाइफस्टाइल काफ़ी ख़राब है, क्राइम रेट बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे पर जा पहुँचा है। पूरे देश का एरिया 17,59,541 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, लेकिन पूरे देश में आपको वाटर परसेंटेज 0% देखने को मिलेगी, और यहाँ तो गर्मी भी बेहद ही ज़्यादा रहती है, और साथ ही दोस्तों डेजर्ट वाला ज़्यादातर इलाका ही आपको देखने को मिलने वाला है। और आज के दिन लीबिया के लोग दोस्तों बेहद ही ज़्यादा इस बात को लेकर परेशान है कि देश में एक भी रिवर नहीं है, क्योंकि जिस देश में गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ दोस्तों रिवर्स की काफ़ी ज़्यादा नीड रहती है। नंबर 5 की अगर हम बात करें तो नाम आता है कुवैत का। मिडिल ईस्ट का ये देश दोस्तों पानी की समस्या के चलते काफ़ी परेशान रहता है, और पानी के लिए ही ये हर साल करोड़ों रुपये का खर्चा कर देता है। कुवैत दोस्तों ये देश आज के दिन कुल मिलाकर
फैला हुआ है। यहाँ पर तो दूर दूर तक आपको पानी नज़र नहीं आएगा, हालांकि बीचेस का पानी नज़र आएगा और बीचेस के नज़ारे सही में लगते भी बड़े कमाल के हैं, लेकिन रिवर वाला पानी कुवैत में भी दोस्तों आपको बिल्कुल ही देखने को मिलने नहीं वाला। आगे बढ़ते हुए बात नंबर 4 की अगर देश की करें तो नाम आता है किरीबाटी का। काफ़ी अंडररेटेड ये देश है, बहुत सारे लोगों ने तो पहले किरीबाटी इस देश का कभी नाम भी सुना नहीं होगा। ओशनिया के इस देश के नज़ारे दोस्तों ऐसे बड़े ज़्यादा कमाल के हैं, चारों तरफ इसके तो आपको पानी नज़र आ जाएगा, लेकिन रिपब्लिक ऑफ किरीबाटी में रिवर एक भी नहीं है। पूरे देश का दोस्तों आज के दिन टोटल एरिया 811 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास देखने को मिलेगा, लेकिन देश के अंदर वाटर की दोस्तों परसेंटेज 0% है। हालांकि देश के चारों ओर आपको पानी खूब देखने को मिलेगा, जिसके चलते बीचेस की खूबसूरती यहां अव्वल दर्जे की है और किरीबाटी के दोस्तों हर बीच का पानी बेहद ही ज़्यादा साफ है। नंबर 3 के देश की अगर हम बात करें तो नाम आता है कोमोरोस का। कोमोरोस असल में दोस्तों ये बेहद ही ज़्यादा लग दर्जे का देश ईस्ट अफ्रीका में बसा हुआ है, मालदीव्स की तरह इसके बीचेस भी दोस्तों कमाल के हैं, लेकिन सेफ्टी ना होने के चलते यहाँ टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा कम आते हुए नज़र आएंगे। पूरा देश दोस्तों आज के दिन 1861 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, लेकिन इस एरिया में आपको वाटर परसेंटेज 0% देखने को मिलेगी, क्योंकि देश में ना ही तो दोस्तों कोई रिवर है और ना ही कोई लेक। रिवर ना होने के चलते दोस्तों गर्मी के समय यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा उमस फील होता है पूरे देश में। हालाँकि बीचेस की खूबसूरती ज़रूर है इस देश में। नंबर 2 की अगर हम बात करें तो नाम आता है बहरीन का। मिडल ईस्ट के इस देश में भी आपको पानी दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आएगा, भले ही पैसा बहुत आ चुका हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कमाल का हो, लेकिन जहां नेचर नहीं होता दोस्तों वहां लोग कभी ना कभी तो परेशान हो ही जाते हैं। बहरीन ये देश आज के दिन कुल मिलाकर फैला हुआ है तकरीबन 785 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, लेकिन हैरानी वाली ये बात है कि बीचेस तो यहाँ आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, लेकिन कुदरत ने रिवर ना इस देश को भी बिल्कुल नहीं बख्शी, जिसके चलते दोस्तों पानी के लिए ये देश करोड़ों रुपए का खर्चा करता हुआ नज़र आ जाएगा। पानी वाले कंट्रीज यहाँ काफ़ी ज़्यादा लकी हैं दोस्तों, जहाँ पर आपको रिवर्स देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी ना होने के चलते दोस्तों काफ़ी ज़्यादा यहाँ कमी लगती है उन चीज़ों की। नंबर 1 की बात करें तो नाम आता है बहमास का। बीचेस के लिए रुतबा इसका बहुत ज़्यादा अव्वल दर्जे का है। जब भी दुनिया के दोस्तों सबसे खूबसूरत बीचेस की बात आती है तो बहमास के 2 से 3 बीचेस आपको टॉप 10 में आते हुए नज़र आ जाएंगे। ये देश दोस्तों कुल मिलाकर फैला हुआ है सिर्फ 13,878 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, लेकिन कमाल बात यह है कि इसके टोटल एरिया में आपको 28% हिस्सा पानी का देखने को मिल जाएगा। लेक्स काफ़ी हैं यहाँ पर और दोस्तों समुद्र का पानी बहुत ही ज़्यादा कमाल है, लेकिन रिवर ना पूरे देश में आपको एक भी देखने को मिलने नहीं वाली। और इस तरीके से ये भी एक ऐसा देश बन जाता है जहाँ पर दोस्तों कोई भी आपको नदी बहती हुई नज़र नहीं आने वाली। तो ये थी दोस्तों दुनिया की वो 10 कंट्रीज आज के दिन जहाँ पर आपको एक भी रिवर नज़र आने नहीं वाली। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, और ऐसी वीडियोस आपके लिए हमें डेली लानी है। चैनल आपका अपना है रॉक फैक्ट, अभी सब्सक्राइब कीजिए।